हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास टेंथ बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स सो इन दिस डिस्कस अबाउट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड यस वी विल डिस्कस सॉल्यूशंस टू ओके तो बी प्रिपेयर क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ सोल्यूशंस भी डिस्कस करने वाले हैं तो आई टेल यू की हाउ टू राइट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स तो जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन का सिंपल सोल्यूशन क्या होगा आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है नो नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है सो लेट स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया है इसमें वट आर इन्जाइम्स ने मेनू वन इन्जाइम ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन तो यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम फर्स्ट तो इन्जाइम्स आर मैटाबोलिक कैटालिस्ट सिंपली आप इसको एक लाइन में कवर कर सकते हो कि एंजाइम्स आर मैटाबॉलिक कैटालिस्ट अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेम एनी वन इन्जाइम ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन मैंशन नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम्पल पिक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं सिलाईवरी ग्लैंड का इन्जाइम पिक कर रहा हूँ सिलाइवरी अमाइलेस एंड इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट स्टार्च इन टू सिंपल शुगर दैट इज माल्टोस और आइसो माल्टोस तो इतना ही आपको मैंशन करना है नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल द इंजाइम ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम ना क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर इन प्लांट अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम रूट एंड लीव तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट प्लांट टू नॉट हैटरी सिस्टम सो स्टेम एंड रूट एज वेल एज इन द लीफ जो रेस्परेशन प्रोसेस होगा वो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन होगा क्योंकि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आर नॉट रिक्वायर्ड तो सिर्फ आपको कॉम्पोनेंट्स मैंशन करना है तो मैं स्टेम्स से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेम्स में आपको सिर्फ इतना मैंशन करना है ओपनिंग इन द बार्क ऑफ ट्री जिसको हम ट्राइचोम्स या लाटिसल्स बोलते हैं रूट में आप इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल एज अ रूट हेयर मैंशन करोगे क्लेफ में स्टोमैटल ओपनिंग्स आर देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाउ द पार्ट बी इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स अब देखिए इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चन आपसे वाटर एंड मिनरल्स के बारे में पूछा जा रहा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स करते क्या है वाटर को बाय बाय जाइलम एंड मिनरल्स को बाय फ्लोएम मेंशन करते हैं बट दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर बिकॉज यहाँ जो मिनरल्स की बात हो रही है तो दीज आर द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द दॉयल तो सॉइल के मिनरल्स प्लांट में एंटर करेंगे थ्रू वाटर ओनली तो आंसर होगा आपका ज़ाइलम एंड जो ज़ाइलम कंपोनेंट है ये आपको वाटर एज वेल एज मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस तो प्लीज मेंशन ऑस्मोसिस प्रोसेस एज वेल एजलम ओनली नो नीड टू मेंशन फ्लोएम इन क्वेश्चन नंबर टू पार्ट बी देन क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डू हर्बीवर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैंशन करना है बिकॉज इन हर्बीवर्स एनिमल्स दे हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस

ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मेंटेन्स डी ऑक्सीजेटेड ब्लड मेंटेन सेपरेटली सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशियंट एंड कैन मेंटेन देअर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर सो दैट्स ऑल इतना ही आपको इसमें मैंशन करना है ओके सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज लिस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन एफिशियंट रेस्पिरेटरी सर्फिस अब यहाँ पे भी मिस्टेक्स क्या होती है आप लोग लंग्स का इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो नो नीड टू एक्सप्लेन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जस्ट सिंपली मेंशन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग एज नंबर वन जो बहुत सिंपल होना चाहिए दैट इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड बिकॉज एलविलाई कंटेन्स थ्री मिलियन ऑफ कैपिलरीज तो सिंपली आप एक लाइन मैंशन कर सकते हो रिचली सप्लाइड बाय ब्लड और ब्लड वैसल्स नंबर टू देयर इनर सरफेस इज मॉइस्ड एंड दैट मोइस्ड सरफेस हेल्प्स इन इजी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड नंबर थ्री लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्योंकि रेस्पिरेटरी मैमब्रेन बनता है लंग्स के इंटरनल सर्फिस में अलविलाई के पास विच मेनली प्रमोट्स और विच मेनली अलाउज ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड तो यहाँ पे भी मिस्टेक क्या होती है बच्चे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन मैं स्मॉल इंटेस्टाइन मैंशन कर देते हैं बट यू हैव टू मैंशन डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन क्योंकि स्मॉल इंटस्टाइन में थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं ना डियोडेनम जैजूनम एंड एलियम बट द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज डियोडेनम ओनली सो जस्ट राइट डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंडस्टाइन एंड इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो पूरा पूरा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन लिख के चले आते हैं इन्जेसन डाइजेशन एब्जॉर्पन एज इजेशन नो नीड टू राइड द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आई रिपीट नो नीड टू राइड द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रीशन जो सिम्पली मैंशन इन्जेशन प्रोसेस द एंट्री ऑफ फूड इन द माउथ और बकल कैविटी देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेशन का मतलब क्या है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो आप सिंपली मैंशन करोगे दैट कार्बोहाइड्रेट का थर्टी परसेंट डाइजेशन इन माउथ बाय सलाइवरी माइलेज सेवेंटी परसेंट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम बाय द पेनक्रियाटिका माइलेज प्रोटीन्स का डाइजेशन माउथ में बिल्कुल नहीं होगा स्टमक में बाय पैप्सिन एंड रेनिन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन आर इन लिपिड्स का डाइजेशन माउथ में एंड एज वेल एज स्टमक में नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में यू हैव टू मैंशन पेनक्रियाटिक लाइपेस ओके तो इस तरह से आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बताना है देन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट इज डायग्रामाटिक तो फॉर डायग्राम प्लीज रेफर योर रेफरेंस बुक एज वेल एज योर एन सी आर टी तो डायग्राम यहाँ पे ओपन्स टू मैटल पोर आपको शो करना है एंड गार्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट को लेबल करना है तो डायग्राम आप प्लीज अपनी कोई रेफरेंस बुक या एनसीआर को प्रेफर करो क्योंकि मैं इस सेशन में सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं डायग्राम्स आपको ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे सो पार्ट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा तो स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स इन द लीव ट जस्ट राइट सिंपली मैंशन टू फंक्शन ऑफ टोमेटा एज अ गैशियस एक्सचेंज एज वेल एज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन सो गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन भी अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे पार्ट सी इज हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमैटल पोर तो यहाँ भी आपको सिंपली मैंशन करना है बाय द टर्जिडिटी एंड फ्लासिड कंडीशन ऑफ गार्ड सेल्स इसके अलावा आपको कुछ भी मैंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गार्ड सेल्स की स्वेलिंग एंड गार्ड सेल्स की श्रिंकिंग ही रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर सो टर्जिड कंडीशन इज द स्वेलप कंडीशन ऑफ गार्ड सेल फ्लैसिड कंडीशन इज द श्रिंकिंग कंडीशन ऑफ गार्ड सेल्स तो सिंपली राइट बाय टर्जिडिटी एंड फ्लैसिड कंडीशन ऑफ गार्ड सेल्स नो नीड टू मैं एन एलैबोरेटिव प्रोसेस टू कवर योर एंसर ओके ना क्वेश्चन नंबर एट इज ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रियुटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग तो कंप्लीट एक्सक्रुटरी सिस्टम आपको ड्रॉ करना है बाय द पेयर ऑफ किडनी पेयर ऑफ यूरेटर आ यूरिरी ब्लैडर एंड आ यूरेथ्रा तो इट इज़ अवेलेबल इन यूर एनसीआर एज वेल एज इन योर रेफरेंस बुक तो काइंडली गो थ्रू इट सो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज वट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन तो इसको भी आप सिर्फ टू लाइन्स में कवर करोगे दैट आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इन टू सिंपल शुगर एज ग्लूकोज गलेक्टोज फ्रैक्टोज माल्टोज वट एवर यू वॉन्ट टू राइट कोई एक आप पिक करोगे एज एन एग्जाम्पल एंड फॉर प्रोटीन प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर डाइजेशन वो अमाइनो एसिड या पेप्टोन्स आप मैंशन करोगे क्वेश्चन नंबर ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफी बार आ चुका है इन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा में आपको पहले फाइव स्टेप्स याद रखने इन्जेशन डाइजेशन एब्जॉर्ब एजाइमुलेशन एंड इजेशन सो इसको भी बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ आप डायग्राम भी चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक इन इंजेशन अमीबा के पास लाइक स्ट्रक्चर होता है And that pseudopodia helps in ingestion of food. Then digestion. Digestion takes place by the vacuole of amoeba. Then after digestion, absorption takes place. So after digestion, useful content transported to cytoplasm as an absorption part. Then fourth is assimilation. So assimilation means amoeba uh, utilize those food or those uh, useful content for their growth and development. assimilation. E इजेशन में भी आपको याद रखना है कि अमीबा के पास कोई ओपनिंग नहीं है फॉर एंट्री और फॉर एग्जिट सो दे रप्चर देयर मेमरी फॉर द इजेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट तो यू कैन सिंपली मैंशन दीज फाइव स्टेप्स एज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रीशन इन अमीबा द क्वेश्चन नंबर इलेवंथ इज नेम टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट दिस इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो यू हैव टू सिंपली राइट रेजन्स एंड गम्स विच गेट अक्यूमुलेटेड इन द ओल्डम और ओल्ड लीफ आज अ वेस्ट प्रोडक्ट अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नो नीड टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जस्ट सिंपली मैंशन द टू प्रोडक्ट अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लीव्स ऑफ ए हेल्दी पोटेड प्लांट फॉर कोटेड विद वैसलिन टू ब्लॉक द स्टोमेटा सो विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग स्टेट थ्री रीजन फॉर योर आंसर तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमैटल ओपनिंग अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इसको काफ़ी बार कि दिस आर द ओपनिंग फॉर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस एज वेल एज फॉर द गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस अगर आप स्टोमेटल ओपनिंग को वैसलिन से ब्लॉक करोगे तो होगा क्या सीओ टू विल नॉट एंटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगा तो नो टेक्स प्लेस नंबर टू नो ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल टू प्लांट फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रेस्पिरेशन पर्पज एंड नंबर थ्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नो ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा यानी लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द वेपर फॉर्म भी नहीं होगा तो नो फोटोसिंथेसिस नो रेस्पिरेशन नो ट्रांसपिरेशन देन इसका जो सेकेंड पार्ट है टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो यू कैन सिंपली राइट इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी एंड इन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म

ब्रीदिंग में सिंपली आपको मेंशन करना है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग मीडियम और विद द एटमोस्फेरिक एयर ओके और सिंपली इनहेलेशन और एक्सेलेशन ऑफ एयर ऑफ गैस मेनली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग वाइगोरेस एक्सरसाइज एंड वाई अब देखो ये तो आप स्टूडेंट्स लोग जानते हो ड्यूरिंग योर एनहैंस फिजिकल एक्टिविटी

क्योंकि जाइलम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल और फ्लोयम का फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू ऑल द अदर कंपोनेंट ऑफ प्लांट तो इसके बाद वाले पोर्शन में इसके नेक्स्ट पोर्शन में ये चीज़ मैंशन भी है वाई इज इट इज इट असेंशियल फॉर द प्लांट सो इट इज असेंशियल बिकॉज जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ट्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द प्लांट फॉर ऑबटेनिंग एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स कंपोनेंट नाउ वेर इन प्लांट्स आर द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड सो द फर्स्ट पार्ट इज शुगर तो एवरीबडी नोज दैट शुगर गेट सिंथेसाइज इन द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हॉर्मोन्स यहाँ पे सिर्फ हार्मोन मेंशन है कोई स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन नहीं है एंड ये चीज़ आप लोग को पता है कि प्लांट्स के पास एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है तो यू कैन सिंपली राइट दैट हार्मोन गेट सिंथिसाइज फ्रॉम द रूट और शूट टिप एज ऑक्सिन क्योंकि ऑक्सिन जो इसका हार्मोन है वो रूट टिप पर शूट टिप से ही रिलीज होता है साइटोकाइनिन ये इंटरनोडल पोर्शन पर होता है विच प्रमोट सेल डिविजन एंड जिबरलिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड इसका भी लोकेशन इंटर नोडल ही होता है ओके okay? अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन आपको ड्रॉ करना है एंड उस पर ग्लोमेरुलस बॉम कैप्सूल रिजल आर्ट्री एंड कलेक्टिंग डक्ट लेबल करना है तो इस ट्राग्राम के लिए भी आप अपने एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक को फोकस uh, कर सकते हो बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसके बाद क्वेश्चन जो इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है वट हैपन्स टू ग्लूकोज दैट एंटर्स द नेफ्रॉन एलोंग द फिल्ट्रेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्ट्रेट का मतलब जो कंपोनेंट आपका फिल्टर होके आया है फ्रॉम द मालफीजियन बॉडी ऑफ नेफ्रॉन अगर उसमें ग्लूकोज भी आता है तो ग्लूकोज का एक्टिव एब्जॉर्बशन होगा बाय द

नॉट टू क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जिसे मिस्टेक करते क्या है वो मैंशन करते हैं लाइट एंड डार्क रिएक्शन को तो नो नीड टू राइट लाइट एंड डार्क रिएक्शन बिकॉज अ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो आपको थ्री इवेंट्स जो मैंशन करने हैं इन ए सिक्वेंटियल मैनर नंबर वन इज एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोप्लास्ट नंबर टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू कैमिकल एनर्जी एंड नंबर थ्री स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी बस ये आपको मैंशन करने है नो नीड टू राइट लाइट एंड डार्क रिएक्शन ओके नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ टोमैटा इन दिस प्रोसेस तो ये भी आपको पता है कि स्टोमैटा आर द ओपनिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो थ्रू दिस ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड आफ्टर दैट The process of photosynthesis begin, so it's very very important part during the process of photosynthesis. Now part B is describe an experiment to show that light is essential for photosynthesis. तो ये भी एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको अपने लैब मैंडो में मिल जाएगा इवन आपको रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगा जिसमें आप किसी भी प्लांट को डार्क रूम में प्लेस करते हो फॉर टू टू थ्री डेज एंड उसके बाद होता है क्या है कि इन द एबसेंस ऑफ सनलाइट प्लांट जो भी स्टार्च या जो भी कंपोनेंट स्टार्च में जो स्टोर है उसके पास एज ए रिजर्व फूड उसको यूटिलाइज कर लेता है उसको फिर हम लोग चेक करते हैं फॉर द आयोडन टेस्ट तो ये आपको रेफरेंस में बहुत ईजीली मिल जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल या लैब मैनुअल्स के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं और बहुत से स्टूडेंट इन क्वेश्चन पे टारगेट नहीं करते हैं तो काइंडली फोकस एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्टिविटी ऑल्सो दैन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेम टू वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर स्टोर इन ओल्ड जायलम इन प्लान्टे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही रेजिस्ड गम्स आर द टू प्रोडक्ट्स विच गेट स्टोर इन द ओल्ड जायलम इन प्लांट्स नेम द प्रोसेस बाय विच प्लाट्स गेट रिड ऑफ एक्सिस वाटर ये भी ईजी है द प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन एंड नेम द पोर्ट्स थ्रू विच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस द पोर्ट्स आर स्टोमैटल ओपटिंग द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अमीबा टेक्स इट्स न्यूट्रीशन तो स्टेप्स मैं बताई चुका हूँ आपको इनजेशन डाइजेशन एब्सॉर्बेशन एज आइमेशन इजेशन यू कैन सिंपली फॉलो योर एन सी आर टी एज वेल एज योर रेफरेंस वट एवर द बुक इज अवेलेबल विद यू फॉर दैट डायग्राम इट्स वेरी सिंपल डायग्राम टू अंडरस्टैंड दीज फाइव फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा द क्वेश्चन नंबर एटीन इज नेम थ्री डिफरेंट ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स ऑल्सो नेम देर सिक्रिशन तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड को आपको मैंशन करना है तो यू कैन सिंपली स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एज सेवरी ग्लैंड सिक्रेट सेलाइवा तो नंबर वन है सेवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सेलाइवा नंबर टू आप गेस्ट्रिक ग्लैंड भी मैंशन कर सकते हो या बहुत ईजी अगर आपको याद रखना है तो पेनक्रियाज क्योंकि पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस तो जो भी आपको इजी लगे आप थ्री ग्लैंड मैंशन करके आप सिक्रीशंस को भी मेंशन करेंगे बट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे सिक्रीशंस में सिर्फ आपको ये जो डाइजेस्टिव जूसीज हैं वो मेंशन नहीं करना है ट्राई टू मैंशन वन इंजाइम आल्सो लाइक से ग्लैंड सिक्रेट्स सेलाइवा एंड सिलाईवा कंटें अमाइलेज पेनक्रियास सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस कंटेंट रिप्सिन अमाइलिस जो भी आप एक इंजाइम मैंशन करना चाहो एंड बाइल जूस बाइल जूस में कोई इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है बट विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपीज इट इमल्सिफाइज द फैट नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज नेम द ऑर्गन सीक्रेट्स विच ऑर्गन सीक्रेट्स अ हॉर्मोन एन द ब्लड शुगर राइजेस तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है द ऑर्गेन इज पेनक्रियास विच secretes इंसुलिन हॉर्मोन वेन द ब्लड शुगर rises. इसका सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज बाय दिस ऑर्गन डाइजेस्टिव तो इंजाइम इज अगर आप पेनक्रियास की बात कर रहे हो तो कोई भी इंजाइम मैंशन कर सकते हो लाइक पेनक्रियाटिक अमाइलेस, पेनक्रियाटिक लाइपेस, ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन ओके एंड वाई पेनक्रियास हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑल्सो रेगुलेट्स ब्लड शुगर तो यहाँ पे आप सिंपल एक लाइन मेंशन करोगे बिकॉज पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड इट सिंपली मीन्स कि ये डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव फ्लूड या एंजाइम्स भी सिक्रिएट कर सकता है एज अगोक्राइन पार्ट एंड एज एन एंडोक्राइन पार्ट इट सिक्रिएट्स हॉर्मोन्स इंसुलिन ग्लूकागन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग आर्टरीज आर थिक वॉल्ड तो so, ये तो आपको बहुत सिंपली मैंशन करना है क्योंकि आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ब्लड फ्लोज रैपिडली दैट्स वाई द वॉल्स आर थिक ओके नंबर टू इज ब्लड ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हर्ट इन फिशेज ये भी आपको बहुत इजीली मेंशन करना है बिकॉज फिश हैव टू चैम्बर्ड हर्ट एंड दैट टू चैम्बर मींस वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल so there is only single circulation in the fishes for the transportation of component. and number three is plants have low energy needs. Bhi simply mentioned karoge because plants are fixed to their position. they do not move for their requirement. that's why the energy requirement is low as comparatively to animals. so this is all about this session. we have discussed ट्वेंटी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो काइंडली रिवाइज इट प्रॉपरली ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड मेक प्रॉपर नोट्स एंड प्रॉपर पैटर्न फॉर राइटिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डेफिनेटली अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम आपको हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल मिलेगा Okay, so thanks for the watching this video and please like the channel subscribe as well as share this video. Thank you so much